पब्लिक कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन ज्यादा है। प्यार हमें किस ओर पे ले आया, दिल करे, अरे जरा जोर से कहो दिल करे, बस ज्यादा हाथ मत करो वरना टेंशन हो जाएगी। ओके चलिए, जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया और आप जाकर बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। यहाँ पे आने के बाद ना बबलू में मुझे ना फीलिंग आ रही है, मुझे फीलिंग ये आ रही है B2DAL। आप लोग आ रही है? अरे फिर आ रही है नहीं? एनी गेस? इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपके पास आता हूँ। यस, बताते बेहद खुशी हो रही है कि इस आज का जो दिन है रियली बहुत बड़ा दिन है और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट। यार अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए एक बार तालियां बजाते भाई। और प्रोवाइड कर रहे हैं ईवर इंडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके लिए भी तालियां बजा दो भाई। देखिए तालियां बजाने पे जीएसटी दिए तो बिंदास तालियां बजा सकते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान यहाँ पर आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फेडरेशन के श्री बी एन तिवारी जी की जोरदार तालियां बजाए। तिवारी सर लव यू सो मच, रियली तिवारी सर हर काम में आगे आते हैं और घर चल के हिस्सा लेते हैं और सच्ची दिल से दुआएं आप यहाँ पर आए आपका थैंक यू सो मच। तभी मैं चाहूंगा प्लीज हमारे बी एन तिवारी जी का ऑन स्टेज मंच पे आ जाए यार भाई। सर सॉरी, हमारे आगे सर की गेस्ट के लिए सर एक शायरी बोलना चाहूंगा। फर्ज किया है कि वो बागी क्या जिसमें मुन्नी ना हो, वो बागी क्या जिसमें माली ना हो, वो भरी क्या जिसमें नारी ना हो, वो झगड़ा झगड़े के जिसमें गाली ना हो, और वो महफिली क्या जिसमें हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए जोरदार ताली ना हो। अपनी हमारे बड़े भैया आए यहाँ पर हमारे तिवारी जी का स्वागत करें, बड़े ताली बजाते हुए। थैंक यू सो मच। अच्छा सर तिवारी सर मैं चाहूंगा जैसे कि आज आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आज तो B2D डांस एप्लीकेशन जो है तो आज लॉन्च हो रही है, तो मैं पहले तो बता दूं शॉर्ट ही आपको कि जो डांस एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है इसके फायदे ये होने हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं सर जो कहीं पे क्लासेस नहीं ले सकते हैं पैसे की वजह से, कोई दिक्कत की वजह से, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो घर बैठे डांस सीख सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है भाई, एकदम फ्री फ्री फ्री। तो सर मैं चाहूंगा आज के दिन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज। मैं पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बहुत बड़ी एक पहल है क्योंकि डांस सीखने के लिए बच्चों को खास तौर से डांस जो है वो लोग सीखने आते हैं, उन बच्चों में आता है जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऐसे, और B2D जो है ये बहुत बड़ा पहल है इनका, इससे कितने बच्चों की दुआएं मिलेंगी। कलाकारों को इनको पैसे के भाव में जो नहीं पहुंच पाते हैं मंच तक, उन्हें मंच तक ले जाने के लिए उनका अपना भविष्य तय करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम है। इस मुहिम के करने वाले इन तमाम लोगों को मैं दिल से फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और फेडरेशन साथ में रहेगी, अच्छे काम के लिए फेडरेशन हमेशा साथ रहती है, हमारे अपने लोग हैं और हम लोग इनके साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक दुबे जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच सर। सर रेडी हो प्लीज टू हियर द बजाना। और मैं चाहूँगा हमारे बबलू भैया यहाँ पर तो चलिए मैं चाहूंगा पहले से ऑन स्टेज बबलू भैया है और हमारे अशोक दुबे जी का सत्कार करें। ओके हमारे अशोक दुबे जी से मैं चाहूंगा कि प्लीज आप दो शब्द में कुछ कहें आज के इस लाइव ऐप के लिए। नमस्कार, मैं बीटीडू को बहुत बधाई देता हूँ। बबलू मेरा छोटा भाई है, जो भी मदद होगी फेडरेशन के माध्यम से तिवारी जी मैं संजू भाई मदद करेंगे, एक अच्छी पहल है और मैं बबलू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।
ज्ञानेश्वर श्रीवास्तव जी प्लीज। इंडस्ट्री आपके साथ खड़ी है और जितनी भी हो सकती है सहयोग हम करेंगे, और इस माध्यम से जो नए लोगों को और गरीब बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, हमें तब उनकी दुआओं से आपकी ये जो ऐप बना है बहुत ही काम बहुत ही सुपर हिट जाए, उसकी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। तो जी और फिर से हमारे आज के शाम के श्री पृथ्वीराज मस्के जी सर प्लीज कम ऑन स्टेज में जाऊंगा। सूरज भी आए बीच में। नमस्कार, बबलू इमरान अमीर, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो कंप्यूटर आपने लॉन्च किया है, जो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग आपने किया है, तिवारी जी ने इसे बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में काफी कला है, पर उनको कला को कैसे आगे लाना और उनके पास पैसा या ऐसी कोई सिस्टम होती नहीं जो शहरों में है और लोग डांस सीख सकते हैं। पर आज आपके इस माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने में ये ऐप जाकर हमारे देश की 130 करोड़ जनता इसका लाभ ले सकेगी, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। जैसे IPL लॉन्च हुआ था, काफ़ी टैलेंट हमको क्रिकेट का काफ़ी टैलेंट बाहर आया देश भर में, उसी तरह इस ऐप के माध्यम से हमारे देश का टैलेंट आगे आवे, यही मेरी विचार है और आपको शुभकामनाएं देके और फेडरेशन का साथ हमेशा आपके साथ रहे ये अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू सो मच। जैसे कि यार मैं सब जानता हूँ कि आप सभी का दिल पे करा रहे भाई, ऐप लॉन्चिंग तो करना है या नहीं? अरे भाई हाँ है ना? अरे बताए भाई, लॉन्चिंग के बाद ही आपको जो है नाश्ता पानी मिलेगा। वैसे भी तो मैं चाहूंगा हमारे चारों गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगा बबलू प्लीज आप आ जाए यहाँ पर, और तो प्लीज यहाँ से आपको ये डोर खींचनी है और वैसे नहीं खींचनी, मैं 3-2-1 का उसके बाद खींचनी है। ओके रेडी? मैं आपको बहुत सारी चीजें बता जाएंगी भाई, आ जाइए प्लीज। ओके 3-2-1 थे। ओके सर, ओके प्लीज सर सभी लोग डांस करना चाहते हैं, कोई घर में करता है, कोई बेडरूम में करता है, कोई कहीं भी जहां मर्जी वहां डांस करते हैं लोग, पर मैं डांस ही लोगों को क्योंकि इंडिया में बाथरूम में भी करते कुछ लोग सही कह सर आपने। ओके थैंक यू सो मच। माइक नहीं है ऐसी आ जाएगी भाई, माइक नहीं चाहिए, माइक बंद करो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि अब तक ऐसा ऐप बना नहीं था। लोग जाते थे डांस क्लासेस में जो अफोर्ड कर सकते थे, 50% लोगों को पता ही नहीं होता था कि डांस क्लास कहाँ चलता है, किसको अप्रोच किया जाए, और गांव में तो बिल्कुल पता नहीं था। लोग शादियों विवाह में डांस करते थे, वो कलाकार किसी तरह से निकल करके शहरों तक आए, अपनी प्रतिभा फैलाई। मगर जो ये पहल है ये गांव तक जाएगी। आज डिजिटल इंडिया हो चुका है, लोग बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, उनको पता लगने लगा है
मोबाइल में ऐप आ जाएगा, देखेंगे सीखेंगे और उनको गाइडेंस मिलता रहेगा। एक बहुत बड़ा एक मुहिम है, इसका जो रिजल्ट है इतना फास्ट आएगा और हम दुआ भी करेंगे कि इसको बहुत जल्दी तरक्की करें और हम लोग इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं इसको सहयोग करेंगे। हम लोग जरूरी था और इतने सारे डांस स्कूल से मुंबई में बहुत कॉमर्शियल है और कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसा जब बबलू ने ये चीज़ बताई कि हम लोग ये कर रहे हैं तो हमने कहा कि फेडरेशन और फेडरेशन के जो 5 लाख मेंबर्स हैं वो आपकी टीम के साथ है, जितना भी प्रमोशन करना है पूरी फेडरेशन करेगी। क्योंकि ये ऐप मैंने पहले कभी सुना नहीं था कि इससे जितने गरीब तबके के लोग हैं जो घर बैठ के डांस सीखना चाहते हैं उसमें उनको मदद मिलेगी और जितना हो सकेगा हमारी पूरी टीम इस ऐप को मदद करेगी। सर आपके क्या लगता है? बबलू हमारा एक फिल्म इंडस्ट्री का हमारा साथी, हमारा छोटा भाई है। इन्होंने जो एक पहल किया है इसमें हमारे सभी फेडरेशन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की एक उन्होंने नाम रोशन किया है और हम लोग इतनी शुभकामनाएं दूंगा कि इनकी ऐप पूरे देश में विदेशों में धूम मचाए और बहुत ही अच्छी सक्सेस हो। सर डांसर की अगर बात करें चाहे मुदस्सर हो कोई भी है, छोटे से मतलब एक छोटे से घर में रहना हो जैसे धारा भी है ऐसे जगह पे बहुत अच्छे अच्छे डांसर रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी डांसर हैं जो अच्छा डांस करते हैं जी, उन्हीं को ध्यान में रखकर ये ऐप बनाया गया है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है यदि वो अप्रोच करते हैं इस ऐप के थ्रू सीखते हैं और फिर जो इस कंपनी को बनाया है उसको अप्रोच करेंगे तो हम लोग उनको जितना सहयोग देना पड़ेगा हम लोग देंगे। क्योंकि हम टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, किसी गरीब और अमीर को नहीं कर रहे हैं। तो यदि वो झोपड़े में रहता है या रोड पर रहता है यदि उसके अंदर टैलेंट है तो फेडरेशन और ये जो कंपनी जो बनी है ये उसको प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कैसे पहुँचेंगे इसको, तरीका क्या है? साइट पर जाकर कैसे? साइट पर जाकर के उसको क्लिक करना है, उनको उसको देखना है, उसमें नंबर भी होगा जहाँ से कंपनी खुली गई है प्रोसेस तक, और ये प्रोजेक्टर पर आपको भी दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं, मोबाइल से कैसे उसको देख सकते हैं, आपको क्या गाइडलाइन चाहिए वो सब गाइडलाइन मिलेगी। फेडरेशन की तरफ से और बड़े बड़े फेडरेशन से जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप इस तरीके के ऐप को लॉन्च करने की बात कहेंगे? क्योंकि बबलू को बहुत कम लोग जानते हैं, जो बड़े बड़े कोरियोग्राफर हैं गणेश जी हैं अहमद है और बड़े बड़े लोग हैं उनको भी इस प्रकार का ऐप लाना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल लाना चाहिए। देखिए श्री गणेश करने वाला कोई एक पहला आदमी होना चाहिए, इसको लाने वाला बबलू परदेसी हैं जिन्होंने शुरू कर दिया है, अभी तो होड़ लग जाएगी, एक तो डिजिटल इंडिया है। गणेश जी से बात करेंगे कि नहीं आप? बिल्कुल करेंगे, गणेश जी तो हमारे दोस्त हैं और गणेश जी से हम बिल्कुल बात करेंगे और चाहेंगे कि इस ऐप को वो ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि बड़े डांस मास्टर यदि इस चीज़ को अप्रोच करते हैं क्योंकि कोई देखिए पर्सनल लेवल पर आपका किसी से भी कोई गणेश मास्टर जी हमारे बड़े भाई हैं, मेरी उनसे पूरी पहले भी बात हुई इस ऐप के बारे में, बबलू ने उनसे बात की थी लेकिन आज वो कहीं रिहर्सल में बिजी हैं इसलिए नहीं आ पे, लेकिन गणेश मास्टर जी खुद आने वाले थे। बबलू जी आप बताइए जो प्रेजेंट कर रहे हैं अम्मा चैरिटेबल ट्रस्ट उसके बारे में बताइए और शुरुआत से बता सकता था कि अम्मा चिल्ड्रन ट्रस्ट उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसके अलावा मैं वाइस चेयरमैन सीनियर डांसर एसोसिएशन का और मुझे 16 साल हो गए फील्ड में। और जैसे कि अम्मा तरफ से हम लोग लोगों को जो हमारे से हेल्प होता है छोटा मोटा जो एजुकेशन हम लोग करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आज मैं डांस की फील्ड में हूँ तो मैंने जो कदम उठाया जैसे आप कहते हैं कोरियोग्राफर पढ़ा इसमें का कोई बड़ा छोटा कोई नहीं, आज मेरी सोच थी कि भैया की सपोर्ट से पेरेंट सपोर्ट से मैं आगे बढ़ा हूँ। अगर दुनिया में हर जगह सिंगिंग का टैलेंट है हर कोई कर सकता है और ये ऐप में बिल्कुल फ्री है, आप जी तो जाओगे अभी आपको आपको ऊपर डेमो मिलेगा प्रोडक्शन में कि आपकी इसमें कैसा होगा क्या होगा, आज लॉन्चिंग है
और हम इसको लाइव करेंगे 22 तारीख को सब कुछ कर। और अब मेरा मोटिव ये है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है कि मेरे बैकग्राउंड क्या थे, जब फी भरने के लिए होता था, फिर मैं वो देख के कुछ सोचा कि अगर मैं कुछ करूँ इसमें, कोई गरीब हो या अमीर हो, मुझे टैलेंट काम है, जैसे सर ने बोला टैलेंट ही काम आया। तो मैं चाहता हूँ कि घर बैठे आप डांस सीखिए, यही मेरा मोटिव है। आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं है और आगे बहुत कुछ सारे ऑप्शन है और औचक है जो हम बैठ के डिक्लेयर कर देंगे भैया के साथ। वो क्या प्रोसेस होगा जिससे घर बैठे मतलब वीडियो बना के, सिखाते हुए वीडियो बना के उसके अपलोड करेंगे, ये क्या नाम आपका सर? ये जो हमारा ऐप आप क्लिक करोगे तो ऐप के अंदर अबाउट अस, आवर सर्विस, टाइप ऑफ डांस, लर्न डांस, अपलोड करते टाइप ऑफ डांस कि ये जो इसमें ऐप में ये है कि दुनिया में जितने फॉर्म डांस है तो आप पूरी सर्च करते हैं यूट्यूब पे, आपको वहाँ जाना पड़ता है, तो आपको कहाँ जाते हैं यूट्यूब अपने ऐप में गए तो आप सर्च करोगे तो आपको हर एक स्टाइल मिलेगा। ऐसा बहुत सारे स्टाइल है सर, हमने अब तक जो सर्च किया तो 107 हमने स्टाइल निकल पाए और कहीं भी हो सकती है। उसके अलावा लर्न डांस, लर्न डांस मतलब आप उसमें जाओगे आप लर्न डांस सीख सकते हो जो उसमें फ्री है, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेशन है और फाइनल है। उसके बाद अगर आप डांसर अच्छे हो अपना प्रोफाइल अपलोड कीजिए, अगर आपका डांसिंग अच्छा लगा और जो हमने ट्यूटोरियल हमारे खोला पर है तो हम भी आपको मौका दिए जाएंगे। अगर आपका डांसिंग अच्छा है तो आपको शूटिंग या वेडिंग जो हमारा इवेंट्स है हम उसमें मौका दिए जाएंगे। इसके अलावा टास्क तो चैलेंज है कि हमारे जो कोरियोग्राफर है उसको परफॉर्म करेंगे टास्क को, अगर आप उसको मैच करते हो तो जो भी फैंपर हमसे जो हम डिसाइड करेंगे वो आपको मिलेगा। इसके अलावा फिटनेस रखा है हमें, जुम्बा, योगा, इस लाइक इस काइंड ऑफ मतलब हर एक चीज़ है इसके अंदर डांस के रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि और लोग भी इसे आगे बढ़े जिसमें आप अपने अपने टैलेंट हैं और ऐप निकल किसी सेलिब्रिटी से बात नहीं आपकी सर? देखो सेलिब्रिटी जब सिखाता है या बताता है कि हाँ इस तरीके से इसको सीखना है तो लोग ज़्यादा उसको ये ऐप की खासियत क्या है सर? कोलैबोरेशन हो रहा है आपका, ये ऐप की खासियत क्या है? जितने भी जो हमारे मेंटर्स हैं जो कोरियोग्राफर सिखा रहे हैं जैसे अलीसा है, आमिर है, ये सब लोग असिस्टेंट कर चुके हैं जो कोरियोग्राफर के साथ अभी इन्हें सिखाया और हमने ये ऐप डायरेक्ट लॉन्च किया। हम किसी के पास गए नहीं, मुझे पता अगर हम लॉन्च करने जाए तो लोग बोलेंगे कि अरे कि जस्ट ऑल उठेगा। अब लॉन्चिंग होने के बाद हम खुद जाएंगे सब कोरियोग्राफर के पास, आर्टिस्ट के पास, जहाँ तो हम सब बाइट लेंगे सब। आप फॉर बहुत सारे साइड है जिसमें अपना डांस डाल सकते हैं, इसमें क्या अलग है सर? ये सबसे अलग ये है कि अब तक ऐप में डांस आया नहीं सर, आप यूट्यूब पर जाते हैं जो अच्छे डांसर्स हैं वो आए हमारे मेंबर बने और इनके सब जो जो अलग अलग कास्टिंग है सब ये करके जिसको जहाँ टैलेंट है सिंगिंग का हो, एक्टिंग का हो, वो आके अपना काम करें डांसिंग का, उनको प्लेटफॉर्म तो जरूर मिलेगा। कुछ कहना चाहेगा सर? आप कुछ कहना चाहेंगे? काफ़ी खुशी की बात है, ये सोच पहले बबलू के पास आई कि जो टैलेंट ये जो ऐप आज तक लॉन्च नहीं हुआ। एक मिनट सर, एक मिनट टेबल पर कर दो ना, छोटा पड़ा टेबल नहीं रहा बराबर है, टेबल पर रखा हो तीन तीन सर कुछ किसी को बना चाहिए था हमारा वो भी कंपनी का साइड आज ये फर्स्ट ऐप लॉन्च हुआ है। वास्तव में बबलू और उनके जो टीम की सोच सच में तारीफ़ काबिल है। इस ऐप की आज इतनी आवश्यकता थी, इतनी ज़रूरत थी, जैसे बबलू ने आपको बताया उसकी फाइनेंशियल पोजिशन पहले क्या थी, वो डांस सीखने आया उसको वो नहीं सीख पा रहा था। ऐसे अनेक लोग हैं मुंबई शहर में भी, ऐसे अनेक लोग हैं जैसा इसने सवाल उठाया कि धारावी में है, ऐसे अनेक लोग हैं जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है प्राइवेट डांस क्लास में जाकर डांस सीख सके। और इस ऐप के माध्यम से मुफ्त में डांस घरों घरों में जिसके पास टैलेंट है, जो सीखना चाहता है डांस पर उनके पास कुछ सुविधा नहीं है, इस ऐप के माध्यम से वो सब प्रोफेशनल सुविधा उनको मिल जाएगी। और खास बात फेडरेशन का साथ होने के कारण उनके टैलेंट को वो प्रमोट करके आगे भी फिल्मों में चांस मिलने की पूरी संभावना है। और बबलू और उनकी टीम, मुझे काफ़ी खुशी है कि बबलू और अमित जैसे लोग मेरे दोस्त हैं जिनकी इतनी अच्छी सोच एक देश के लिए, देश पूरे देश के नागरिक के लिए, हर देश के हर तरह के लोग के लिए उन्होंने सोचा है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये फर्स्ट ऐप सबसे आगे बढ़ेगा, इस
पे मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू सर।